नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी। देवरिया हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शाह नवाब के देवरिया आगमन पर कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखा। सभी कार्यकर्ताओं ने इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया, जिससे प्रदेश अध्यक्ष शाह नवाब काफी गदगद दिखे। अपने स्वागत समारोह में पत्रकारों से बात करते हुए शाह नवाब ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा और लगन से निभाऊंगा। मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान के रक्षा के लिए सदैव तैयार रहूंगा। आप सभी प्रदेशवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे जब भी याद करेंगे, मैं आपके बीच हाजिर हो जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव को पूरे दमखम से लड़ेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का इरादा प्रदेश की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का है। अगर समान विचारधारा वाली किसी पार्टी से गठबंधन होता है तो पार्टी को गठबंधन में जितनी सीटें मिलेंगी उन पर पार्टी दमदार प्रत्याशी उतारेगी। मैं जनता को यकीन दिलाता हूं कि आपके हक की लड़ाई रोड से लेकर पार्लियामेंट तक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लड़ेगा। आपको आवाम पार्टी ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुना है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? बड़े अच्छे तरीके से मैं इसको निभाएंगे और हर गरीब हर जनता के पास जाके मैं मिलेंगे और सबके दुख सुख में मैं हाजिर होंगे और सबसे सबकी समस्या को मैं हल करूंगा। 2022 के चुनाव में आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है, किन किन मुद्दों पे पार्टी आपकी चुनाव लड़ेगी? उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी जो है गरीबों के, असहाय के, बेरोजगार लोगों के और गांव के तमाम समस्याओं को देखते हुए ये पार्टी इसमें ज्यादा मेहनत करेगी, इसके लिए सहयोग करेगी। इसमें सबसे मिलजुल के इस बेरोजगारी को, तमाम चीज को लेकर ये पार्टी काम करेगी। अभी यूपी में इलेक्शन जो है बिल्कुल करीब है और सारी पार्टियां एक दूसरे पार्टी से गठबंधन कर रही हैं। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, आप किस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं? हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी जिस पार्टी से तालमेल करेंगे उसी पार्टी के साथ मैं रहूंगा और उसी पार्टी के साथ मैं काम करूंगा। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? हम तो पूरे जितनी सीट है उस सब पर चुनाव लड़ेंगे और बीच में अगर किसी पार्टी से गठबंधन हो गया तो उतने ही सीट पर मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का ये कहना है। आपको पार्टी ने ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।